हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल खान ब्लॉगर। सो व्यूअर्स, एक और नई वीडियो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ। और लास्ट वाली वीडियो जैसे आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी, जिसने नहीं देखी तो उसको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और जिसने देखी है तो उसको पता होगा कि लास्ट वाली जो वीडियो है मैंने वो लेक अल उनैजा के ऊपर बनाई थी। बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह, हम लोग कल गए थे और रिकमेंडेड है 100%। और उधर जाएं, बिल्कुल बहुत मज़ा करें, बहुत मज़ा आएगा। बारबेक्यू की जगह सही बनी हुई है, बारबेक्यू की जगह बनी हुई है उधर। और अगर आप उधर जाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन गया है। अच्छा, एक दूसरी बात कि मैं उस दिन अपना YouTube स्टूडियो देख रहा था तो उसमें जो सब्सक्राइब्ड और नॉन सब्सक्राइब्ड वाला जो ऑप्शन आता है तो उसमें जो मेरा सब्सक्राइब्ड वाला था वो 74% था, नहीं नॉन सब्सक्राइब्ड वाला 74% था और बाकी का जो है वो जो 40% है वो अपना सब्सक्राइब वाला था। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब किया? जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने से क्या हो जाता है, मतलब एक सब्सक्राइब का बटन है, वो रेड कलर का बटन है, उसको दबा के ग्रे कर दो बस। और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अभी तो कसीम का ट्रिप लगा है, इंशाल्लाह आगे प्लान है, मदीना भी जाएंगे, उसकी ज़्यारतें भी करवाएंगे आप लोगों को, मक्का भी जाएंगे तब भी ज़्यारतें करवाएंगे और इंशाल्लाह ताइफ भी जाएंगे। सो अभी तो शुरुआत है इंशाल्लाह, और आगे आगे देखते जाएं और बने रहें इंशाल्लाह। और अभी आज की वीडियो में बहुत दुखद भरी कहानी है कि हम लोग वापस जद्दा के लिए निकल रहे हैं। कल लास्ट डे था जो लेक अल उनैजा के नाम पे जो वीडियो बनाई थी वो लास्ट सेकंड लास्ट वीडियो थी उनैजा के ट्रिप पे, और ये लास्ट वीडियो होगी उनैजा के ट्रिप पे। और अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस नहीं देखी तो इंशाल्लाह मैं उसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप लोग सारी जो वीडियोस हैं जो मैंने पहली से लेके हम लोग जद्दा से कसीम आए और तकरीबन 5-6 वीडियोस हैं तो वो इंशाल्लाह उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और इंशाल्लाह उसकी मैं ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा वो लिंक, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और बाकी बस गाड़ी तैयार है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाड़ी भी दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने पैक किया सारा सामान। और बाकी बस अभी निकलने लगे हैं और टाइम अभी हो रहा है सुबह के 8:29, तो हमारा प्लान था कुछ 9 बजे तक निकलने का, इंशाल्लाह टाइम पे निकलेंगे। और दिखा देता हूँ मैं अभी आप लोगों को गाड़ी, तो फिर सफ़र पे निकलते हैं, तो इंशाल्लाह सफ़र में मिलते हैं, चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, अभी आप लोगों को गाड़ी दिखाता जाऊँ, ये पीछे वाली जो है हमारी गाड़ी है, ये हमने फुल पैक कर ली है, ये देख सकते हैं आप लोग। दिखाता चलो आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि हम लोगों ने किस तरह पैकिंग की है, और फिर बस निकलने लगे हैं और सारी फैमिली भी आगे बस बैठने लगी है अभी, तो इंशाल्लाह निकलते हैं फिर सफ़र पे और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सफ़र जाएगा, तो दुआ करिएगा और चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमने कुछ सामान रखा है, ये हम लोगों ने ऊपर कुछ रख दिया क्योंकि गाड़ी के अंदर बंदे भी थे और सामान भी रखना था, तो इस वजह से हमने कुछ सामान ऊपर रख दिया है और बाकी का सामान जो है हम लोगों ने पीछे ये डिक्की में रख दिया है। सो ये सामान हमारा पैक हो चुका है अब, और ऊपर भी हमने एक मैट्रेस वगैरह और सब कुछ ये सामान रख दिया है, तो बस ये है कुछ पैकिंग हमारी, हम लोगों ने बस कर ली है, अब रवाना होने लगे इंशाल्लाह, तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, सदक़ल्लाहु लज़ीम।
दोस्तों सो फार हमने 230 किलोमीटर्स कर लिए हैं। हम लोग सुबह 9:30 बजे निकले थे और अभी 11:20 हो रहे हैं। रास्ते में हम लोग रुके हैं वैसे ही थोड़ी देर के लिए फ़्रेश होने के लिए। सो अभी आप लोगों को आसपास दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और देखें सुनसान एरिया, मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आसपास, ठीक है। तो ये देख लें 360 व्यू दूँ मैं आपको। तो ये 360 व्यू है कुछ। तो दोस्तों हम लोगों ने पेट्रोल भरवा लिया है और अभी बल्कि पेट्रोल भरवाने के लिए हम लोग इधर रुके हैं और हम लोग मदीना पहुंच गए हैं। तकरीबन कोई 5 घंटे हमें लगे हैं कसीम से मदीना आने के लिए और सुबह 10:30 बजे हम लोग निकले, 9:30 बजे निकले थे और अभी 2:30 बज रहे हैं और एग्जैक्ट टाइम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अभी 2:30 बज रहे हैं, 2:18 हो रहे हैं। सो अभी हम लोग मदीना पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जद्दा की तरफ जाएंगे। और बाकी माशाल्लाह गाड़ी परफॉर्म बहुत ज़बरदस्त कर रही है और चलते हैं और इंशाल्लाह आगे दिखाता हूँ। और बाकी रास्ते में दिखाने के लिए इतना कुछ खास नहीं है, बाकी इधर वैसे फ़्रेश होने के लिए और पेट्रोल भरवाने के लिए जो है रुके थे तो गाड़ी रिजर्व में लग गई थी इस वजह से। और बाकी रास्ते में इतना कुछ खास दिखाने के लिए नहीं है तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना रहा, बिकॉज सीधा रोड है और उसमें मैं बार बार आते वक्त भी मैंने दिखाया था तो जाते वक्त भी फिर वही चीज़ दिखाऊं तो मज़ा नहीं आता फिर व्लॉग में। और बाकी अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपको लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में, बने रहें वीडियो में, इंशाल्लाह बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है। अभी तो जद्दा भी जाना है और 400 किलोमीटर है वो, और चलते हैं और आप लोगों को आगे आगे दिखाते हैं, तो बने रहें वीडियो में। दोस्तों अभी हम लोग सास्को पेट्रोल पंप, अगर कोई मदीना से जद्दा से मदीना या मदीना से जद्दा अगर कभी गया हो तो उनको पता होगा कि इधर सास्को का पेट्रोल पंप आता है जो बहुत मशहूर है, पेट्रोल पंप है। उधर अभी हम लोग रुके हैं, हमने कुछ खाने का मतलब वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था इधर, तो एक सास्को के ऊपर अलबेक है जो उस दिन भी हम लोगों ने लिया, तो ये अलबेक के ऊपर हम लोग रुके हैं वो लेते हैं। बाकी व्यू चेकआउट करें आप लोग, बहुत मज़े का माशाल्लाह व्यू हो रहा है। और 5 मिनट पहले ही बारिश होके रुकी है, ये देख लें 5 मिनट पहले ही बारिश होके रुकी है, पानी इधर रुका हुआ है। और दूसरी बात ये कि वीडियो में इतनी कुछ खास नहीं बना रहा बिकॉज़ कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं जो दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो बाकी ये सऊदीया में मैंने पहली दफ़ा है जो कुत्ते देखे हैं सॉरी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, बट कहा जा ही जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। सो बहुत सारे हैं, वो सामने भी देखिए, देखिए सऊदीया वाले सारे कुत्ते देख लें ये अच्छा। तो अभी हम लोग इधर अलबेक लेने के लिए आए हैं और वो ले रहे हैं और फिर इंशाल्लाह 5-10 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं और तकरीबन 250 किलोमीटर रहता है, अभी चलते हैं। और रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग आया तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाता हूँ। और चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं।
इधर ही वीडियो ख़त्म कर लेता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।